क्या सोनिया गांधी से खफा थे प्रणब मुखर्जी? साल 2004 के अंदर में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनने के समय प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से कहा था कि सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी आने वाली किताब प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटने के फैसले के बाद अपने पिता के साथ फोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया है। इस किताब में वो लिखती हैं कि जब उन्होंने अपने पिता से प्रधानमंत्री पद को लेकर के सवाल किया तो उनका जवाब था कि नहीं, वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता रह चुकी शर्मिष्ठा ने अपनी किताब में अपने पिता के राजनीतिक जीवन के नए अब तक के अज्ञात रहे कुछ पहलुओं को उजागर किया। साल 2004 में बीजेपी चुनाव हार गई और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बतौर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी और उन्हें गठबंधन सहयोगियों का पूरा समर्थन भी प्राप्त था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने का फैसला किया। इस फैसले ने उनकी अपनी पार्टी के सहयोगियों और गठबंधन सहयोगी से देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस किताब में द पीएम इंडिया नेवर हैड शीर्षक वाले अध्याय में शर्मिष्ठा लिखती हैं कि पीएम की दौड़ से हटने के बाद सोनिया गांधी के फैसले के बाद मीडिया और राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई थी कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब के नामों की चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के बीच कुछ दिनों तक शर्मिष्ठा मुखर्जी को अपने पिता प्रणब मुखर्जी से मिलने तक का मौका नहीं मिला। शर्मिष्ठा ने लिखा है कि वो बहुत व्यस्त थे, मैंने उनसे फोन पर बात की, मैंने उनसे उत्साहित होकर पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका दो टूक जवाब था, नहीं, वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जिन्होंने 2 साल पहले राजनीति छोड़ दी, वह कहते हैं कि उनके पिता के पीएम न बनने के लिए उनके पिता के मन में सोनिया गांधी के प्रति कोई विद्वेष नहीं था और न ही मनमोहन सिंह के प्रति कोई कड़वाहट, जिन्हें पीएम पद के लिए चुना गया था। किताब में इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते रहते थे। मुलाकातों की संख्या अधिक नहीं थी। प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यूपीए सरकार के कैबिनेट में शामिल होकर के अनुभव हासिल करने की सलाह दी थी। हालांकि राहुल गांधी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। किताब में इस बात का भी जिक्र है कि 2013 के दौरे पर प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राहुल को कई मामलों में रुचि है लेकिन एक विषय से दूसरे पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। रूपा पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित की गई प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता की डायरी, उनसे सुनी कहानियों और बातचीत के अज्ञात पलों को उजागर किया है। प्रणब मुखर्जी ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, वो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त और वाणिज्य मंत्री भी बने। वो भारत के 13वें राष्ट्रपति 2012 से 2017 तक थे। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शर्मिष्ठा लिखते हैं कि उनके पिता खुद अध्यादेश के खिलाफ थे और सैद्धांतिक रूप से राहुल से सहमत थे, लेकिन जिस तरह से राहुल ने काम किया वो उससे वो हैरान थे। मैंने सबसे पहले उन्हें यह खबर दी। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने पिता को इतने गुस्से में देखा, उनका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाए। उन्हें यानी कि राहुल को क्या लगता है कि वो कौन है? वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं, वो कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से खारिज करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में है, क्या उन्हें अपने कार्यों के निहितार्थ प्रधानमंत्री और सरकार पर इसके प्रभाव का एहसास भी है? उन्हें इस तरह से प्रधानमंत्री को अपमानित करने का क्या अधिकार है? मुखर्जी ने अपनी डायरी में इस घटना के बारे में भी लिखा था, ये पूरी तरह से अनावश्यक है, उनमें गांधी नेहरू वंश का सारा अहंकार उनके राजनीतिक कौशल के बिना है। शर्मिष्ठा का कहना है कि उन्हें बहुत बाद में 2014 में राजनीति में शामिल होने के बाद अपने पिता के साथ उस वर्ष कांग्रेस के पतन के कारणों पर चर्चा कर रही थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अब तक के सबसे निचले स्तर पर 44 सीटों पर आ गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि अन्य कारणों के अलावा राहुल का गुस्सा कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील था। पार्टी के उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार के प्रति ऐसा तिरस्कार दिखाया था, लोग आपको फिर से वोट क्यों दें? इसी के नाते से कांग्रेस की हार हुई थी। वीडियो रेस kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।